अब हमसे ना होगी व्लॉगिंग, हम कर रहे हैं कैमरा बंद। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंद्रताल कैंप साइड। कल रात को जब हम लोग चंद्रताल लेक से वापस आए थे और उसके बाद शाम हो गई, ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना, और रात को सोते वक्त इतनी ज़्यादा ठंड कि बर्दाश्त के बाहर है। मतलब पूरा मेरा लद्दाख वाले ट्रिप में इतनी ठंड नहीं लगी कि जितना कल ठंड लगी थी, फटे ठंड थी। आपको ना ठंड का एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो ये तो है, ये तो कल ही था, ये जो बर्फ पड़ी है। ये हमारा टेंट है, यहाँ पे यूपी अभी भी सोया हुआ है। नीचे एक कंबल, एक इतनी मोटी रजाई के बाद में और एक मोटी सी रजाई, फिर उसके ऊपर कंबल। इतना होने के बाद भी लग रही थी ठंड। बहुत ही अजीब वाला सीन हो गया था, जैसे पूरा कंबल ओढ़ाओ, 5 मिनट बाद ऐसा होता है कि सांस मतलब फूल जाती है, फिर ऐसे कंबल उठाना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन अंदर आए, फिर ऐसे कर करके पूरा रात गुजरा है। और अभी भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि लेंस पे फॉग जमा हो रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, तो समझ लें इतना ठंड हो गया है। थोड़ा काम चला लो यार, फॉगी फॉगी मतलब तुमको भी थोड़ा फील आएगा ठंड का, लेंस में एकदम फॉगी हो गया है, नेचुरल फिल्टर। शाम को जब हम लोग लेक से यहाँ पर आए थे, उसके बाद में सारे गेयर्स वर्स निकाले, उसके बाद हम गए थे कॉमन रूम में जहाँ पर बुखारी लगा हुआ था। मैं आधी यूपी वहीं पर बैठे हुए थे, चिल कर रहे थे, मतलब वहाँ से हिलने का दिल नहीं कर रहा था। तो आइए जानते हैं आदित्य जी से, हमारे ठाकुर, ठाकुर बताओ हाँ कैसा लग रहा था वो बुखारी जब वहाँ से ठंड में आया, और बुखारी हमारे लिए क्या था? ओह अलग दुनिया भाई, अलग दुनिया। सब सेक वेक के सारे ग्रुप वाले जो अपने जो स्पीति के ग्रुप वाले थे वो लोग भी वहीं थे। ट्रिपर का ग्रुप था, ट्रिपर मैंने बताया ना, ट्रिपल ट्रैवल कम्युनिटी है, वहाँ पर लोग ट्रैवल करते रहते हैं, तो वो भी हमें टकरा गए इस मोड़ पे। हाँ तो वो लोग और हम लोग मिलके सब चिल कर रहे थे लगभग 11:30 बजे तक। ये तुम लोग तो ज्यादा मैं तो हाँ, हम लोग बाकी सब आपस में पहली बार मिलते हैं इस ग्रुप पे आके, तो फिर सारा अपना एक्सपीरियंस लाइफ, कई इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कई लोगों की, मतलब कि कॉमिक में बहुत ब्रीफ 5 मिनट के लिए मिले थे। हाँ, उसका फोटो भी खींचा था। हाँ, उसके बाद हम यहाँ मिले, कल हमने अच्छे से अपना साथ में चिल किया, सब लोग खाना वाना खाए, और उसके बाद मैं जब सब लोग चले गए उसी टेंट में सो गया। वो उसमें हाँ बुखारी वाले में हाँ, तो सो गया वहीं पे। अरे सही है। ये है वो कमरा, ये था वो बुखारी, ये था वो बुखारी। इसमें लकड़ी डालते हैं, धुआं इसका बाहर जाता है, बाहर जाता है, तो ये पूरा टेंट गर्म कर देता है। जब हमने राइड टू स्पीति शुरू किया था तब दिल्ली में इतनी ज्यादा गर्म थी, मोबाइल इतना ज्यादा गर्म हो गया था, हमने उसको बर्फ में डाला था। और जब राइड खत्म हो रही है तो एक्सट्रीम वाली ठंड है, इतनी ठंड है कि मन कर रहा है कि खुद को गर्म पानी में डाल दें। देखो यहाँ पर जो बर्फ पड़ी थी ना, एक किसी ने यहाँ पर कुर्सी बनाई, आराम से बैठ सकते हैं इसके ऊपर। बड़ा धूप आ गई है, उसकी वजह से थोड़ा ऐसे बर्फ पिघल रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस चंद्रताल। एक चीज मिस हो गई थी, सही दरवाजा खुल नहीं रहा है। देखो क्या क्या करना पड़ता है। लो जी एक बार फिर आ गए उसी जगह पर, और इस बार हमारे साथ हैं संजीव सर। संजीव सर आई, इनकी जिप्सी में हम लोग यहाँ पर आए, पूरी बम्पी राइड, और पीछे ये थे, इनकी हालत देखने लायक थी, बहुत मजे किए इन्होंने। और यहाँ पर हम लोग आए हैं, कहाँ गया वो हमारा कबूतर, ये इस चीज़ के लिए आए हैं, ड्रोन ऊपर से भी ब्यूटी दिखाता है ना, इतना दूर आए हैं मुंबई से, कुछ तो लेके जाएंगे।
और आई जी यहाँ से अभी निकलने का टाइम हो गया। मैं अपनी बाइक ऐसे देख रहा था, बहुत खुशी हुई क्योंकि टाइगर जितनी गंदी होती है ना उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। नंबर प्लेट ही नहीं दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा नज़र मारे। जब गाड़ी चलती है ना तो पूरा पानी इधर आता है, कचरा पूरा ऊपर आ जाता है। देखें अभी टाइम हो रहा है 12:15। हम लोग जब यहाँ पर आए थे तब हम लोगों ने ये प्लान किया था कि सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे यहाँ से, लेकिन इसके आगे रास्ता लैंडस्लाइड हुआ था। संजीव सर ने कहा था कि रास्ता बनते बनते 12 बज जाएगा, तो आप जल्दी भी निकलोगे तो वहाँ पर जाके अटक जाओगे, उससे अच्छा लेट ही निकलो। लेट निकलने से प्रॉब्लम अभी पता है क्या है कि जब स्नोफॉल हुआ है ना वो पिघलेगा और जो वाटर क्रॉसिंग है वो थोड़ी सी टफ हो जाएगी और पत्थर वत्थर भी गिरेंगे, लेकिन एक पैच तक, उसके बाद सब सॉर्ट है। अब मैं बात करना चाहूंगा ट्रिपर के बारे में। ट्रिपर एक ट्रैवल कम्युनिटी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपको सारे ट्रैवल आइटिनरीज मिलेंगे। अगर आप अकेले हैं, आपके दोस्त आपका साथ नहीं दे रहे हैं, धोखा देते हैं, तो ट्रिपर आपके लिए बेस्ट है। आइटिनरी है, नॉमिनल प्राइस में आप घूम सकते हो। हमें जो ट्रिपर का ग्रुप मिला था सारे लोग अलग अलग जगह से आए थे और बाद में दोस्त बन गए थे, तो ऐसा है। और इनकी कम्युनिटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ये मैंने बात पहले भी बताई थी, अब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग नए हैं। बाकी सब बढ़िया ऐसे निकलना है अभी। एक चीज़ और, जब मैं बाहर आया तो देखा टाइगर, अब मैं अंदर जा रहा था मैंने देखा जूते। थोड़ा देखें जूते अपने कैसे स्वैग में सूख रहे हैं। ये बर्फ है, बर्फ के ऊपर तीनों के जूते हैं जो एकदम मस्त सूख रहे हैं। और ये सुखाने का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर बाद एक वाटर क्रॉसिंग है जो कि बहुत गहरा है, उसमें ये गीले होने ही है। लेकिन क्या है, यहाँ से 1 किलोमीटर का जो सुख है ना वो तो कम से कम ले लें हम लोग। मेंटल सेटिस्फेक्शन। ऑलराइट जी, निकलते निकलते हो गया है 12:30, 12:35। गाजा का पूरा ट्रिप और चंद्रताल दोनों को मिला के 147 किलोमीटर गाड़ी चली थी। अब हम करेंगे ट्रिप 20 और देखते हैं कि आज कितनी किलोमीटर गाड़ी चलती है। आज की राइड बहुत ज़्यादा टफ है। या अल्लाह कर मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संजय सर जाते हैं? आराम से जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो जरूर मिलेंगे। जल्दबाजी में जल्दी खराब हो रहा है, स्नोफॉल स्टार्ट हो रहा है। चलो निकलते हैं हम। ठीक है, ओके। अभी जब तक रास्ते सूखे हैं तब तक चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रास्ते हैं, ये बारिश हो रही है यार, शेट। ये मिट्टी वाले जो रास्ते हैं ना, कल स्किट हो रही थी गाड़ी और गिरते गिरते बचाऊँ 2 टाइम, बट अभी तक तो गाड़ी गिरी नहीं। ये मुझे राइड ख़त्म होने के बाद बोलना था। यहाँ पर एक आता है वाटर क्रॉसिंग जिसमें पैर गीला होना ही है। देखते हैं, पहले आने दीजिए हमारे बंधु लोगों को, तभी क्रॉस करेंगे। कभी बाई चांस गाड़ी गिरने वाली रही तो बच जाएगी। जो पहले आप जाओ। नहीं नहीं, है लग गए। लग गए जी। अब जो भी पानी वाला गड्ढा आएगा ना, हम उसमें से लेके जाएंगे, टेंशन नहीं। वही करेंगे, पानी इतना ठंडा, करंट है करंट। हाँ शिट, अभी पैर होंगे सुन्न। अभी धूप निकलना चाहिए, मजा आएगा। कल हम लोग जब वो बुखारी के लिए बैठे हुए थे, अपना बॉडी गर्म कर रहे थे, तो यहाँ के एक लोकल ड्राइवर थे, उन्होंने कहा कि टोटल 21 वाटर क्रॉसिंग है इस रोड पे, जिसमें से 4 मेजर है। पता नहीं, लेट्स सी, देखते हैं। इस सीज़न का पहला ये स्नोफॉल था और हालत ख़राब कर दिया, बट जो भी होता अच्छा ही होता। मज़ा आया, बर्फ मिल गई देखने को, नहीं तो मैं ये सोच के आया था कि कोई भी जगह पर बर्फ आई नहीं। ये रास्ते थोड़ा डेंजर है, इधर ले लो भैया, इधर ले लो। आ गया दूसरा वाटर क्रॉसिंग, हो गया। चलो वापस पैर गीले हो गए, पानी पैरों को लगा और ठंड पूरे बदन में लग गई। ऐसा कह सकते हैं कि पानी लगा पैर में
पूरा बॉडी भीग गया। देखो क्या खतरनाक दिख रहा है। यहाँ से गए तो गए। स्पीति इज टफर देन लद्दाख। जो लोग बाइक एंथुजियास्टिक हैं उनके लिए स्पीति इज परफेक्ट। यहाँ पर रश है, यहाँ पर एडवेंचर है, असली एडवेंचर यहाँ पर है। सामने बादल बादल हैं, इसका मतलब मौसम खराब है। चलो देखते हैं। मैंने तो सर पे कफन बांध लिया, मैं तो रेडी हूँ वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए, भी पहले से तैयार हूँ। और अगर किसी चीज के लिए आप पहले से तैयार रहते हो तो इतना तकलीफ नहीं होता है। आई एम रेडी, व्हाटएवर इज कमिंग आई एम रेडी। देखो ये जो बोर्ड है ना, अगर कुंजुम जाना है तो ये रास्ता, कुंजुम से आएंगे तो ये वाले रास्ते से होके ये वाला रास्ता जाएंगे तो चंद्रताल के लिए जाता है। बोर्ड भी लगा है, छोटा धारा सीधा इधर, बाताल सीधा इधर, मनाली सीधा इधर। चलो यहाँ तक का जो डिस्टेंस था हमारे कैंप से वो था 9 किलोमीटर, ऐसा मेरा टाइगर बता रहा है। ये जो मेरा राइट साइड में माउंटेन रेंज है, इसे कहते हैं CB13, चंद्रभागा 13। इसमें 13 पीक्स हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है ये संजीव जी ने बताया था। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। और भी कुछ कह रहे थे यहाँ पर, कुछ ऐसे क्रैश हुआ है समथिंग, याद नहीं आ रहा है। लगता है लैंडस्लाइड हुआ है। ट्रेकर्स, माउंटेन ट्रेकर्स हुआ तो है लेकिन इन लोगों ने क्लीन कर दिया। थैंक यू। बारिश हो चुकी है शुरू और रास्ते होंगे गीले तो थोड़ा राइडिंग में मजा और आएगा। मतलब ये हम कहाँ आ गए, चाचा चाची, ये बातल है बातल। और भाई जी, जो सोचा था वही हुआ, आगे लैंडस्लाइड हो रखा है जिसपे काम चल रहा है, रोड क्लियर किया जा रहा है, सब गाड़ियां यहाँ पे फंसी हुई हैं, हमारी बाइक भी यहाँ पे फंसी हुई हैं। अब थोड़ा देख के आते हैं, चल के आते हैं। पैर गीले होने की वजह से पूरा सुन हो गए, थोड़ा चलेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। इस तरह से सारी गाड़ियां यहाँ पे फंसी हुई हैं। यहाँ हुआ था वो लैंडस्लाइड, काम चल रहा है, जैसे भी परफॉर्मिंग वेरी वेल, उनको बोलने नहीं हो रहा हूँ। कैसा लग रहा है सर जी? अमेजिंग अमेजिंग लाइक ऑलवेज। काम देख के लग रहा है कि और एक घंटा जा सकता है, एक घंटे तक हमें चिल करना है, चिल ऐसे बारिश में चिल करना है। चलो मैं तो रेडी। लैंडस्लाइड हुआ था वहां से और ये पूरा पूरा यहाँ पर फैला दिया। पीछे का थोड़ा सा काम बचा है, अगर ये हो गया देन वी आर गुड टू गो। लगभग एक घंटा हो गया हम लोग को यहाँ पर वेट करते हुए, अभी तक रास्ता खुला नहीं है। और एज यू कैन सी बर्फबारी हो रही है, यहाँ पर बर्फ गिर रही है। एक तो बारिश ने वैसे ही हाल ख़राब करके रखा था, अब बर्फ़ पड़ रही है। कितना अच्छा लग रहा होगा ऐसे देख के, बर्फ़ पड़ रही है, वाह। लेकिन इस जगह पे आके देखो बर्फ़ पड़ना क्या चीज़ होता है, सब पता चलेगा। बर्फ़ सिर्फ ऐसे कैमरे में अच्छा लगता है, रियल में अच्छा नहीं लगता है। मैंने अपना ग्लव्स चेंज कर लिया, पहले वाला ग्लव्स बिल्कुल भीग चुका था, हाथ पूरे सुन्न हो चुके हैं, पैर सुन्न हो चुके हैं। कब खोलेगा भैया, कब खोलेगा। चलिए जी, फाइनली रास्ता खुल गया है, अब बज रहे 3:15, तो मनाली तो आज पहुंचने से रहे। चलो निकलो। गई भैंस पानी में। नहीं नहीं नहीं, आज ही मैंने बोला कि बाइक एक बार भी नहीं गिरी, गिरा दिया। ऐसे खड़े खड़े गिरी ज्यादा नुकसान तो हुआ नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं, चलते ब्रो, फट रही है। बहुत ही ज्यादा फट रही है ठंड से। यहाँ पर भी है एक वाटरफॉल, वाटरफॉल निकलेगी।
निकलेगी कि नहीं निकलेगी। खतरनाक रास्ते यार यहाँ पर, एक तो ठंड ने दिमाग खराब किया है, तेरी उम्मा खतरनाक। सबसे टफ राइड है ये भी जिंदगी का। इससे पहले जो टफ राइड था वो था सेला पास, उससे भी ज्यादा टफ ये रहा। टाइगर में दिखा रहा है 3.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर, लेकिन एक्चुअल में उससे भी कम है, जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा टफ निकला ये तो। गया रे बाबा, बहुत हार्ड। एक मिनट के तूफानी राइड और बाइक को दो बार गिराने के बाद हम लोग पहुंचे थे छतरू, और उसके बाद लोग कह रहे थे कि आगे 17 किलोमीटर बाद एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है जहां से आप आगे जा नहीं सकते, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। हम लोग आगे गए देखने के लिए कि सही में क्या चीज़ है, क्योंकि हम लोग को जो लैंडस्लाइड मिला था उससे हम लोगों ने क्या किया था कि धीरे धीरे करके पार कर ले, तो हमें लगा कि हम लोग भी पार कर लेंगे। जैसे हम लोग 10 किलोमीटर आगे गए, हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत सारे लोगों ने बाइक ऐसी पार्क करके रखी हुई और बाइक छोड़ के वो आगे निकल गए। तो फिर वहां से देखने के बाद फिर हम लोग वापस आ गए, बिकॉज पेट्रोल भी कम था। और यहां पर आने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या था कि लोग ज़्यादा हैं यहां पर और रहने के लिए जगह कम, तो हमें एक छोटा सा टेंट मिल गया जहां पर हम तीनों लोगों ने अपना गुजारा किया। रात को इतनी ज़्यादा ठंड, बर्दाश्त के बाहर ठंड, और पूरे भीग चुके थे, तो ऐसे तैसे कैसे रात तो गुजार ली। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30, और अभी की खबर ये है कि आगे तक रास्ता खुला नहीं है। हमारे ठाकुर भाई आगे गए हुए हैं देखने के लिए कि क्या हालात है। ऐसा लोग बोल रहे थे कि रात को काम चालू हो गया, लेकिन पता नहीं क्या है, क्योंकि यहाँ पर बातें बहुत बनाते हैं लोग। कोई कह रहा है कि 3 दिन बाद रास्ता खुलेगा, कोई कह रहा है कि अभी खुल जाएगा, तो जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हमें समझ भी नहीं आएगा, राइट। कल दो बार गिरी थी ना, तो हालत देखो क्या हुई है इसकी। एक बार गिरी थी इस तरफ से और एक बार गिरी थी उस तरफ से, तो इस तरफ से ज़्यादा नुकसान तो देखा नहीं, सिर्फ ये इंडिकेटर लाइट टूट गया है, ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं, कपड़े वपड़े सूख रहे हैं। इस तरफ से तो कुछ ज़्यादा नुकसान नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ पर पैनियर में एक स्क्रैच लगा है, यहाँ पर और थोड़ा सा ये बेंड हुआ है। इस जगह पर कम से कम 200 लोग फंसे हैं, पीछे जा सकते हैं, लेकिन पीछे जाएंगे तो भी खतरा है कि लैंडस्लाइड हुआ रहेगा तो वहाँ पर भी फंस सकते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जाएंगे तो आगे जाएंगे, पीछे तो जाने को कोई सवाल नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या 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 होगा यहाँ पर। अभी की कहानी ये है कि देखे सारे गाड़ी यहाँ से जा चुकी है, सारे ट्रैवलर जा चुके, कुछ लोग अपनी बाइक भी छोड़ के गए हुए हैं, एम्बुलेंस आ चुकी है। परसों यहाँ पर एक आदमी की डेथ हो गई थी, तो सारे पुलिस वाले भी यहीं पर ही हैं, HRTC सब लोग यहीं पर ही है, और यहाँ से सबको वहाँ तक लेके जा रहे हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ पर हमें बाइक पार्क करना है एंड निकलना है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि सब लोग को यहाँ से भगा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, वहाँ पर बाइक पार्क करेंगे, वहाँ दूसरे ओर से गवर्नमेंट की बस आएगी, देन वहाँ से जाएंगे हम खोक्सर। खोक्सर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि रास्ता खुला है या बंद है। ऐसा तो है कि कल तक खुल जाना चाहिए रास्ता, और लोग ये भी कह रहे हैं कि 2-3 दिन और लग सकते हैं। तो अगर हम खोक्सर पहुँच जाएंगे तो वहाँ से हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर पुलिस वाले किसी को रुकने नहीं दे रहे हैं वो डेथ की वजह से।
कल रात को जब हम लोग यहाँ पर रुके थे ना, तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे। देखो यार, पैनिक होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते तो फिर पैनिक होने का कोई सवाल ही नहीं है। एंजॉय करें उस सिचुएशन को। आज मौसम बहुत अच्छा है, कल तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और यहाँ से गाड़ियाँ पार्क होना शुरू हो चुका है। अरे X+200 यहाँ तो कैसे आ गई? कुछ बाइक्स यहाँ पर पार्क हैं। मेरे ख्याल से ये लैंडस्लाइड हुआ था, ये तो क्लियर हो गया आई गेस। खतरनाक लैंडस्लाइड है यार ये तो, ये फर्स्ट लैंडस्लाइड है। हाँ, इसके आगे थोड़ा सा खुला है, वी कैन पार्क बाइक देयर ऑल्सो। हाँ गया यार पूरा। ये मैं क्या देख रहा हूँ, रोड ओपन है? क्या बात कर रहे हो जी? अरे क्या बात कर रहे हो? अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हैप्पीनेस का लेवल पूछो ही मत आप। थैंक यू भाई, अरे क्या बात है, अभी मना ली। थैंक यू सर, खुशी का ठिकाना नहीं है रे। अरे वाह वाह जी वाह 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 वाह। भाई आई एम तो वेरी हैप्पी, रास्ता खुल गया यार। वो बताइयो मेरे रास्ता खुल गया अपना, आप शाम की चाय पियेंगे मनाली में? क्या बात है रामू काका जी। ओह मैं तो कितना खुश हूँ यार, बाइक को छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा था मेरा, शुक्रान अल्लाह ताला। हम लोग ये सोच के आए थे कि बाइक छोड़ के जाएंगे, दिल पे पत्थर रखे, लेकिन रास्ता खुल गया यार। कितने लोगों ने ऐसी गाड़ी पार्क करके चले गए, ज्यादातर हिमालयन देखने को मिली और कुछ 3-4 टाइगर ऐसी पड़ी हुई थी यार। यहाँ पर वाटर क्रॉसिंग बहुत है, मैंने 21 कहा था आपको, 21 से ज्यादा वाटर क्रॉसिंग मिले अपने को। हाँ क्या बात है, प्रो हो गया मैं तो। अरे वाह, इतने दिनों बाद पक्की सड़क, क्या बात है, रोड दिख गया, रोड भैया रोड दिख गया। ओह राहत, क्या बताएं आपको यार, ये खुशी का अंदाजा नहीं आप लगा सकते कि कितना खुश हूं मैं। बाइक अपने साथ ही चलेगी और घर तक नहीं, दिल्ली तक चलेगी। क्या हुआ था ना कि एक टाइम पे ना मैं सबको हौसला दे रहा था, लेकिन सच बोलूँ तो मैं भी थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था इस सिचुएशन को लेकर, और हमको ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन तक यहीं पर फंसे रहेंगे। और उस सिचुएशन में हमें अलग अलग लोग मिले यहाँ पर, जो एक दूसरे का हौसला बढ़ाकर यहाँ तक पहुँचे। एक एक करके सबको मिलवा दो, आ जाओ यार फटाफट। मनीष कहाँ से? पटियाला। अमन कौशिक पटियाला। क्या करता है? किराक किराक बिरयानी मारता। हैदराबादी बिरयानी, आओ हैदराबाद को खिलाऊंगा। मैं गया था हैदराबाद लेकिन बिरयानी मिली नहीं मेरे को ठीक से। और ये हमारे रामू काका। हाय रामू काका, नमस्ते। ग्रेट ग्रेट सलीम भाई के व्लॉग्स अमेजिंग, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इन्होंने काम कर दिया, चलो फिर व्लॉग यहीं पर ही एंड कर देता हूं मैं। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तो कहने कुछ अलग है, सबसे ग्रेट है इस बाइक को, मोर सबसे ज्यादा फॉलो और सबसे ज्यादा लाइक कर, सब कर दिया इन्होंने। ठीक है, लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम। लेकिन जो लोग बाइक एंथुजियासिस्ट बाइक एंथुजियासिस्ट और टेंट का नंबर क्या है? नंबर एक, एक नंबर। आप लोग ये वैसे एक नंबर, नहीं तो लोग बोले एटीट्यूड आ गया।